दक्षिण ओडिशार प्रथम संगीत कला परिषद महाविद्यालय उद्घाटित। समग्र दक्षिण ओडिशार प्रथम अमूल्य भारत संगीत कला परिषद महाविद्यालय आज गुणपुर ठारे उद्घाटित हो जाइछि। एहि महाविद्यालय रे एकधारे ललित कला, संगीत, नृत्य, नाटक प्रभृति क्षेत्र में छात्र छात्री माने स्नातक शिक्षा ग्रहण करिपारिबे। एहि अंचल रे अनेक प्रतिभावान छात्र छात्री थिबा बेले आवश्यक प्रशिक्षण अभाव रु आगको बढ़िवारे असुविधा हेउथिला। एबे एही महाविद्यालय कला, संगीत, नाटक, अभिनय क्षेत्र में रुचि रखुथिबा पिलांक पई बेस सहायक होई पारिबो बोली कुहा जाइछि। एही कार्यक्रम रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना उपदेष्टा सुधीर दास, गुणपुर उपजिलापाल सोनाल जेना, गगन आचार्य, अश्विनी गमांग, देवी आचार्य समेत अनुष्ठान सभापति पंचानन चौधरी प्रमुख उपस्थित थिले। अनुष्ठान अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक, उपाध्यक्ष प्रमोद पति एही विद्यालय शिक्षा पाठक और लक्ष्य संपर्क में अवगत कराइले। पंचानन चौधरी एबीएसकेपी महाविद्यालय चेयरमैन, यार मूल उद्देश्य हूँ आम दक्षिण ओडिशा रे बहुत कलाकार अच्छा से बहुत पचर पड़ते कौन प्रकार सुविधा पाई ना सुजोग भी पाई ना तेणुक चिंता कली कौन गोटे नुआ जिनस सेटा मुंड को जुटला ना संगीत महाविद्यालय करवा तेणुक हम दक्षिण ओडापी संगीत महाविद्यालय खोलिया बाहर एपूर्ण सहयोग कर सुधीर दास जगन्नाथ सरकार, लोकल विधायक रघुनाथ गमंग पद्मिनी ध्यान मंत्री ता संगे संगे संपूर्ण समस्त सहयोग रही खुशी खबर खबर कौन कि म्यूजिक एंड आर्ट ओडिशार प्रथम थर दुईटा कॉम्बिनेशन रे कौन सी जगह ना ये प्रथम थर हो तेणुक बहुत खुशी। प्रारंभ रे श्लोक कहवार प्रचलन कर आरंभ कर ओडिशार प्रथम करी दक्षिण ओडिशार गुणपुर पर गोटे आदिवासी अधिष्ठित अंचल गोटे नूतन महाविद्यालय एक भिन्न महाविद्यालयटे सृष्टि हो पारी आपण मानकर सहयोग एवं आमर चेयरमैन पंचानन चौधरी जहाँ तत्वावधान महाविद्यालय गत काली तार एडमिशन ओपनिंग सेरेमनी आमर कॉलेज रो वेबसाइट उद्घाटन होता यही महाविद्यालय उद्देश्य होची ओडिशार कला संस्कृति भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय चित्र बा ललित कला को पुनर्जीवित करिबा बा दीर्घजीवी करिबा आर उद्देश्य होची पिला मानक भितरे थिबा प्रतिभा पिला मानक भितरे थिबा लुकायत कला को विकसित कराई देश विदेश रे आर प्रचार प्रसार करिबा एवं तत्सहित ये कला संस्कृति भारतीय शास्त्रीय संगीत खाली एटा को शिक्षा जाए शिक्षा सहित एने डिग्री हासिल करें जमीक अन्य डिग्री गुड़िक रही आर्ट्स साइंस कमर्स कि टेक्निकल सेक्टर से हीपरीटा परफॉर्मिंग आर्ट जोटा कि आम रही नृत्य संगीत नाटक एवं से भाई विजुअल आर्ट जो थे कि चित्र ललित कलार पाठ्यक्रम रही तो आम गोटे निर्दिष्ट पाठ्य खसड़ा रही मैंने पिला मैंने पाठ पढ़ी पारे और नृत्य संगीत शिक्षा लाभ करें डिग्री हासिल करें ये डिग्री अन्य डिग्री मान सहित समतुल्य कौन सी संशय करार अवकाश ना आर मुख्य उद्देश्य हूँ जे ओडिशार कला संस्कृति एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व दरबार में परिचय करवा गुरुत्व हो सारी परंतु ओडिशार दक्षिण ओडिशार ये महाविद्यालय नाला तेणुक ओडिशार भुवनेश्वर रे संगीत महाविद्यालय थिला किंवा विद्या आर्ट कॉलेज थिला किंतु परंतु वर्तमान ओडिशार सारा ओडिशार सारा भारत बर्षर मध्य गोटे जगार जोटी ललित कला एवं नृत्य संगीत नाटक महाविद्यालय वर्तमान हो पारे। श्री गुरुवे नमः। यहां आए हुए सभी गुरुजन साथ में मंत्री जी डायरेक्टर साहब मैं डॉक्टर अविनाश काटे प्रिंसिपल करके एबीएसके पीएम में ज्वाइन हुआ हूँ।
हमारा उद्देश्य है हमारी जो संस्कृति जो कल्चर जो भारत में पहले पल रहा था 65 कलाएं यहाँ नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में चल रही थी तो आज वो विलुप्त होने के कगार पे हैं तो उसको ही जीवंत रखने के लिए एक प्रयास यहाँ पे हमने गुनुपुर में शुरू किया है। गुनुपुर एक शांत जगह है लेकिन आज भी यहाँ पे जो आदिवासी लोगों में जो कलाएं छुपी हुई है उसको एक प्रोफेशनल टच देने के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने यहाँ बनाया है। तो कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो सुप्त गुण मन में छुपे हुए हैं उसको लोगों के सामने लाके एक पैसा कमाने का जरिया भी हम इस माध्यम से खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें कलाएं तो बहुत है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वो कहीं जा नहीं पाते हैं। एक तो यहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है और उसके बाद में उनको उससे कुछ रोजगार मिले ये उद्देश्य हम आपके सामने लाने का प्रयास करें। इसमें सिर्फ उड़ीसा के ही बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे सारे इंडिया से ही नहीं सारे विदेश से भी बच्चे पढ़ने को आए और एक एटमोसफेयर एक जो वातावरण निर्मिति का काम भी हम इस माध्यम से करने का प्रयास करें इसमें सबका सहयोग हो यही मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। आज उद्घाटनी दिवस रे स्थानीय आंबवाड़ी गाँव छात्री तथा कंठशिल्पी विराजिनी सबर को मागणारे उच्च शिक्षा प्रदान पाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करछंती। एही अवसर रे सुधीर दास विराजिनी को एही महाविद्यालय रे प्रथम छात्री भाबे एडमिशन कराइथिले। गुणपुर रु प्रणव पात्रों को रिपोर्ट ओएनए खबर।